नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। संगरूर के गांव घराचों में एक मकान की 30 वर्ष पुरानी छत गिरी, एक ही हुई मौत, दो गंभीर घायल। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने बंबिहा गैंग से संबंधित दो बदमाशों को किया गिरफ्तार, अफीम, हेरोइन और भारी मात्रा में असला किया बरामद। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने ट्रक चालक सहित ट्रक अगवा करने वाले चार आरोपियों को किया काबू, एक ट्रक, 300 क्विंटल चने, एक कार, तेजर हथियार और एक मोबाइल किया बरामद। और अब हलचल विस्तार से। संगरूर के अधीन आते गांव घराचों में देर रात लगभग 8:30 बजे एक मकान की छत गिरने के कारण परिवार के एक सदस्य की मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मिली जानकारी के मुताबिक गांव घराचों की चहिला पत्ती में रहते अमरीक सिंह के घर की 30 वर्ष पुरानी छत अचानक गिर गई, जिसमें एक बुजुर्ग माता जसपाल कौर, अमरीक सिंह और हरजिंदर कौर दब गए, जिसके बाद गांववासियों ने उन्हें बाहर निकालकर संगरूर अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर माता जसपाल कौर की मौत हो गई, जबकि बेटे अमरीक सिंह और बहू हरजिंदर कौर को पीजीआई चंडीगढ़ में रेफर कर दिया गया। तो वहीं गांववासियों ने प्रशासन से अपील की है कि पीड़ित परिवार की सहायता की जाए। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। 8:30 बजे की घटना जी, पिंड घराचों के चांदपत्ती के अमरीक सिंह के घर के जो अपनी माता दे कोल बैठे सीगे, माता जी बीमार, थोड़ा सेहत तो डाउन से, उन्होंने पता सदा दे के 8:30 बजे अंदर बैठे सीगे, तो रात को चाणचक इट बाले की सत्त पाई हुई सी, जिहड़ी गाडरां समेत सारी की सारी सत्त उन्होंने उपर डिग गई, तो जिस दे विच माता जी ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਚਾਚੀ ਜੀ ਹਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਅਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੱਤ ਡਿੱਗ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਅਸੀਂ 1 ਘੰਟਾ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮਲਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਸੀ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਹੁਤ ਲੇਟ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਜਲਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਵਹੀਕਲਾਂ 'ਚ ਇੱਥੋਂ 3 ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੋਲਦੇ ਸੀਗੇ ਚਾਚਾ ਅਤੇ ਚਾਚੀ। ਘਟਨਾ ਅਚਾਨਕ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਛੱਤ ਗਿਰੀ ਗਈ ਕਲਕਤ ਸਾਰੀ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਖਾਣ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ? ਖਾਣੇ ਜੀ 8-9 ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਈ ਗਈ? ਇਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਜੀ। ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਬਾਹਰ ਉੱਧਰ ਆਏ ਦੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੌਕੇ ਦੀ ਮਤਲਬ ਭੱਜ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਇੱਧਰ ਆਏ। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने गैंगस्टरों के खिलाफ चलाई गई मुहिम के तहत अपना शिकंजा कसते हुए बंबिहा गैंग से जुड़े दो बदमाशों को गिरफ्तार करने में बड़ी सफलता हासिल की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि इन दो बदमाशों की गिरफ्तारी से दो व्यक्तियों की कत्ल की साजिश को नाकाम करने में सफलता हासिल हुई है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के पास से अफीम, हेरोइन और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी हत्या, धमकी, जबरन वसूली, फिरौती सहित कई अन्य आपराधिक गतिविधियों में भी शामिल थे। फिलहाल सभी आरोपियों पर मामला दर्ज कर उन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी अहम खुलासे होने की संभावना है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। अमृतसर के थाना सुल्तानबिंद की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब ट्रक चालक को ट्रक सहित अगवा करने वाले गिरोह का 24 घंटों में पर्दाफाश किया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए अमृतसर पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मीका सिंह निवासी जोगी मोहल्ला मलोट जिला श्री मुक्सर साहिब के बयानों पर मामला दर्ज किया गया था, जो कि ट्रक ड्राइवर है और वह ट्रक लेकर अमृतसर के लिए रवाना हुआ था। इस दौरान वह रात का भोजन कर ट्रक में ही सो गए थे और रात के समय 5 अज्ञात नौजवान उसके ट्रक में दाखिल हो गए, जिनके हाथों में तेजधार हथियार थे। इस दौरान उन्होंने कंडक्टर व उसे ट्रक के अंदर ही दबोच लिया व उन्हें जान से मारने की धमकियां देकर ट्रक की चाबी ड्राइवर की जेब में से निकालकर ट्रक को स्टार्ट कर तरनतारन रोड से झब्बाड़ रोड की तरफ ले गए।
इस दौरान उक्त लुटेरे उनके साथ मारपीट करते रहे और गांव नूरदी जिला तरन तारण के नजदीक उन दोनों को बांधकर ट्रक से नीचे उतार दिया और ट्रक लेकर फरार हो गए, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को काबू कर लिया है, जबकि इनके एक साथी की तलाश में छापेमारी की जा रही है। पुलिस ने आरोपियों के पास से एक ट्रक, 300 क्विंटल काले चने, वारदात में इस्तेमाल की गई कार, एक दातर, एक किर्च और एक मोबाइल फोन भी बरामद किया है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। 300 क्विंटल जड़ा अपने छोले ग्राम्स जिन्हों कहते हैं वो ट्रक भर के मलोट की बालाजी कंपनी है ट्रांसपोर्ट की डिस्ट्रिक्ट मुक्तसर साहब की, वो आई अमृतसर। उन्होंने प्रिंस कोल्ड स्टोरेज दे विच इत्थे वो अपना जो माल लाना सी किसी कारण करके उत्थे रश होया तो अपने ट्रक दे विच ड्राइवर ते क्लीनर दोनों सुते पे सीगे, तो पांच बंदिया ने आके अणपछात्या ने उन्हां ते हमला किया, उन्होंने ओवरपावर किया, हाथ पैर बन के मूँह बन के अखां बन के ट्रक दे सने उन्होंने नाल लै गए। वो और अगे जा के GPS डिस्कवर किया इधर तरन तारण साइड पर, फिर उन्होंने कुटमार की, उन्होंने कहा भी GPS तुसी खोलो, GPS खोल के उन्होंने मुड़ के अगे जा के सुट दिता गया एक नाले दे कोल, हाथ पैर बन्ने रहे, मूँह बन्ने हुए, अखां बन्नियां, और उस तो बाद उतों फरार हो गए। उस तो बाद आके उन्होंने जो थाने सुल्तान विंडे अगले दिन दस्या सानू, तो साड़ी पुलिस हरकत आई, जिवें कि तुहानू पता कमिश्नरेट दे विच साड़ा जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है क्राइम दे अगेंस्ट, तो सारे ही ऑफिसर्स एकदम असी अलर्ट होए और प्रोफेशनल तरीके नाल दी इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जिहदी सुपरविजन मिस्टर हरप्रीत मंडेर साडे DCP साहब, मैडम डॉक्टर दर्पण आलूवालिया जी, मनिंदर साडे ACP साउथ, जसवीर सिंह साढ़े SHO सुल्तानविंड, बिंदरजीत CIA 3 के इंचार्ज ने, सारे दी असी अलग अलग टीम बनाईया और प्लैंड वे ना असी सारी नू साइंटिफिकली ते प्रोफेशनली टैक्निकली दी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। असी ये सारे का सारा माल ट्रक ते चारों बंदे फड़ ले है, एक बंदा फरार है, सारी रिकवरी हो चुकी है और मैं इनू बहुत ही प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन मानना। अमृतसर के थाना सदर की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने काबू किया। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के पास से 4 मोबाइल फोन, 1 एक्टिवा भी बरामद की है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस जांच अधिकारी ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ पहले भी कई मामले दर्ज हैं और इनकी उम्र 20 से 30 वर्ष के बीच में है। इनका एक साथी अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों को अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हाँ जी, एक ना 16/4/24 तो वक्त करीब 2:30 बजे कबीर सिंह नाम के व्यक्ति को एक मोबाइल स्नैच किया है 2 स्नैचर्स वालों, तो उस आदमी वालों उस स्नैचर वालों जो स्कूटर से सवार हुए थे नंबर नोट कर लिया गया, जो शिकायत की तो तुरंत पुलिस वालों मुस्तैदी वरतते हुए उस तरह फॉलोअप किया गया, तो उन्होंने जोड़ा वा गिरफ़्तार किया गया। जो उन्होंने लिया के उन्होंने को कोशिश की गई तो उन्होंने को चोरी जो खोशुदा जो मोबाइल से वो नाल रिकवर किया गया, तो नाल जिस व्हीकल से उन्होंने खो की और रिकवर किया गया। इस तो अलावा उन्होंने व्यक्तियों को दौराने पुछगिछ होर भी मतलब कि डीपली कोशिश की गई, जिन्होंने कहा कि अं इस तो अलावा शहर के होर भी 10-12 वारदातें की हुई वा जिदे बारे असं वक्त थाने कंटैक्ट कर रहे हैं। जालंधर की पौश कॉलोनी मोता सिंह नगर में गत साय लगभग 7 बजे एक्टिवा सवार 2 लुटेरों ने एक 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को उसके पर्स सहित 20 मीटर तक घसीट कर ले गए। दिल दहला देने वाली ये सारी घटना वहां लगे CCTV कैमरों में कैद हो गई। तो वहीं चुनावों के सीजन के दौरान लूट की इस घटना ने पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद बुजुर्ग महिला दहशत में है और उसे पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, जिस कारण उसने थाना में शिकायत भी नहीं की। उसने कहा कि वह पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं करवाएगी, उसे डर है कि लुटेरे दोबारा आकर उसके साथ लूट कर सकते हैं।
डरी हुई बुजुर्ग महिला ने किसी तरह घटना संबंधी बयान देने के लिए हामी भर दी, लेकिन कहा कि उसका नाम, घर का नंबर व पता ना बताया जाए। तो वहीं घटना के 24 घंटे बीत जाने के बाद भी मामला दर्ज नहीं हो पाया, क्योंकि पुलिस से शिकायत की प्रतीक्षा कर रही है। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। फरीदकोट की धारा कॉलोनी में देर रात चोरी की वारदात को अंजाम देने आए कुछ नौजवानों की ओर से तेजधार हथियारों से लैस होकर एक घर को निशाना बनाया गया, लेकिन परिजनों को जागने पर पारिवारिक सदस्यों और चोरों के बीच हाथापाई हो गई, जिसके चलते चोरों की ओर से पकड़े जाने के डर से एक युवक की ओर से फायरिंग शुरू कर दी गई। इस दौरान इकट्ठा हुए परिजनों ने एक चोर को काबू कर लिया, जबकि उसके साथी अंधेरे का फायदा उठाते हुए भागने में सफल हो गए। तो वहीं परिजनों की ओर से पकड़े गए चोर को थाना सिटी 2 की पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इस संबंध में थाना सिटी 2 के प्रभारी मलकीत सिंह ने बताया कि एक चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि बाकी चोरों को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। फरीदकोट से हलचल के लिए गुरप्रीत सिंह की रिपोर्ट। मैंने सुबह 7:30 बजे मेरे गुआंढी का फोन आया कि भाई तेरे ना प्लाट से चोरी हो जाती है, तो अही बंदा फड़ लिया। फिर मैं आया तो मैंने पता लगा भी इन्होंने बंदा फड़िया वा, फिर असी उन्होंने बंदे ने इतने कतवाली लिया, कतवाली दिता। ये भाई 7:30 to 8 बजे का टाइम से सुबह का। हाँ जी, तो बंदा एको ही फड़िया से, पर वो सानू ये कहता भी मेरे नाल दो बंदे हो नहीं भाई, हजे नहीं कुछ भी पता लगा जी। समान रिकवर थोड़ा जहा हो गया वो को, एक जोड़ा ई रिक्शा आ खड़ा ये वो ले जाते लग के, वो भी नाल इतने लिया। जो बाई जी हुई सी चोरी वो साढ़े गेट से कूलर लै गई, उदू बाद रात 11 बजे गोलियां चलियां, 5 बंदे सी, तो साढ़े ना धक्का मुक्की पूरे हुए है भी साढ़े हमला करने वास्ते आए थे, तो असी उन्होंने फड़न की कोशिश की। जोड़े 4 बंदे भज गए तो एक साढ़े काबू आया, इन्होंने फायरिंग भी की, बाकी सारा महला वासी गवाह, इन्होंने मैं कोले बुला के SHO साहब नूं सारे नूं मौका दिखाता सी। नवदीप सिंह वगैरह का घर सीगा जिदे च उन्होंने दस्सिया कि चोरी करन आए सीगे लड़के, तो चोरी तो बाद अंजाम दे रहे सीगे, तो जिदे करके उन्होंने उन्होंने फड़न की कोशिश की घर वाले ने, उसमें कुछ व्यक्ति भज गया, एक फड़िया गया सीगा जिहदा मौके पर काबू कर लिया, तो उन्होंने स्टेटमेंट दे रहा अपनी स्टेटमेंट तो अगले कार्रवाई अमृत नहीं दे। हाँ जी, घर वाले दसन के मुताबिक है जी, कहते भी फायर हो जितों उन्होंने दो फोन बरामद हो गए, ये रात भी 11 to 12 बजे की वारदात कह रहे हैं। बाकी टीम बनाई गई, टीम तो सारिया रेडा कर रही जो व्यक्ति उन्होंने जल्दी गिरफ्तार किया। चंडीगढ़ के मोहाली स्टेडियम में मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स 11 के बीच हुए मैच के दौरान नीता अंबानी अचानक अमृतसर पहुंची। इस दौरान नीता अंबानी सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक हुई और अपनी टीम के लिए दुआ मांगी। ये पहली बार नहीं है, बीते IPL सीजन में भी चंडीगढ़ में मैच को बीच में छोड़ नीता अंबानी अमृतसर पहुंच गई थी। नीता अंबानी के आने की सूचना के बाद गोल्डन टेम्पल टास्क फोर्स को भी अलर्ट किया गया, तो वहीं नीता अंबानी की फोर्स ने भी सुरक्षा उपलब्ध करवाई। नीता अंबानी की पर्सनल सिक्योरिटी के अलावा उन्हें टास्क फोर्स के साथ सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में माथा टेका और अपनी टीम की जीत की अरदास की। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंची। इस दौरान श्री दरबार साहिब में बादल परिवार द्वारा पिछले कई वर्षों से जारी श्री अखंड पाठ साहिब जी की श्रृंखला के तहत श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग डाले गए और नए पाठ की आरंभता करवाई गई। इस दौरान पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि पंजाब की जनता ने सभी सरकारों और सभी पार्टियों की कार्यशैली देख ली है, किस तरह से बड़े बड़े वायदे कर सरकार बनने के बाद किए वायदे भुला दिए जाते हैं और आम जनता को भुला दिया जाता है। उन्होंने कहा कि शिरोमणि अकाली दल पंजाबियों का दर्द जानता है और अकाली दल अकेले सिद्धांत पर खड़ा है। उन्होंने कहा कि उन्हें यकीन है कि इन चुनावों में पंजाबियों की अपनी जीत होगी। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। जालंधर से आम आदमी पार्टी के लोकसभा उम्मीदवार पवन कुमार टीनू सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गुरु घर में माथा टेक सरबत के भले की अरदास की, तो वहीं गुरबानी का श्रवण भी किया। इस मौके पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए पवन कुमार टीनू ने कहा कि वे गुरु घर में माथा टेकने के लिए पहुंचे हैं और लोकसभा चुनावों के प्रचार से पहले वे वाहेगुरु जी का आशीर्वाद लेने यहाँ आए हैं।
उन्होंने कहा कि सचखंड श्री हरिमंदिर साहिब चारों धर्मों का सांझा केंद्र है, इसलिए वे यहां आए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि गत दिनों जो पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के साथ लोकसभा चुनावों को लेकर जो मीटिंग हुई है, उसमें भी ये मुद्दा रखा गया है कि लोकतंत्र को किस तरह बचाना है और किस तरह पंजाबियों को इकट्ठा करना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब दी पंजाबियों दी चढ़दी कला दा आशीर्वाद लैण लई आम आदमी पार्टी दी जित दा आशीर्वाद लैण वास्ते अज असीं दरबार साहब विखे पहुंचे हां, ते क्योंकि सारी ताकत सांझी बालता भाईचारक सांझ दा संदेश इस महान स्थान तो जांदा पूरी दुनिया च, तो इतने मत्था टेकन वास्ते असी अचारे आए हैं। भगवंत सिंह मान जी ने, मुख्यमंत्री जी ने देश विच लोकतंत्र नू बचाउण लई जो तानाशाही नू जवाब देण लई और समूह पंजाबियों नू इकट्ठे करन लई सांझीवालता दा डिवेलपमेंट दा विकास दा एक संदेश दिता। जालंधर के शिवनगर इंडस्ट्रियल एरिया सोडल रोड पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक नई शाखा का उद्घाटन राज्यसभा से सांसद और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के चांसलर अशोक कुमार मित्तल ने किया, तो वहीं इस शाखा की प्रबंधक अवनि गुप्ता, उप क्षेत्रीय प्रबंधक रवि जैन और क्षेत्रीय प्रबंधक एसके त्रिवेदी की अगुवाई में संचालन किया जाएगा। इस अवसर पर रवि जैन ने बताया कि ये शाखा जालंधर शहर के औद्योगिक क्षेत्र को सेवाएं प्रदान करने के लिए खोली गई है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति को बैंक की सेवाओं का आसानी से लाभ उठाने की सुविधा है, जैसे कि विभिन्न प्रकार के ऋण खाता खोलना, लॉकर सुविधा आदि। वहीं उन्होंने बताया कि उनके बैंक की 3 इकाइयां जालंधर में, 48 इकाइयां और 57 इकाइयां लुधियाना जोन में हैं, तथा भारत भर में कुल 283 इकाइयां हैं। लोग बैंक ऑफ महाराष्ट्र की सभी सेवाओं का उपयोग करने के लिए महा मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। वे उन्होंने कहा कि इस ऐप की विशेषता ये है कि आप फंड ट्रांसफर की सुविधा घर बैठे ले सकते हैं, जैसे कि NEFT, RTGS, UPI का उपयोग कर सकते हैं। इस मौके पर शाखा प्रबंधक अवनि गुप्ता, DGM रवि जैन, बैंक अधिकारी रविंद्र कुमार और उद्योगपति उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम अवनि गुप्ता है। इंडस्ट्रियल एरिया में हमारी नई शाखा खुल रही है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, उसकी मैं ब्रांच मैनेजर हूँ। मैं आप सबसे आवेदन करती हूँ कि आप यहाँ आइए, अपने हर प्रकार की सुविधाओं का उपलब्ध लीजिए। यहाँ पे सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट और हर प्रकार के लोन दिए जाते हैं, जैसे कि गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, MSME लोन, व्हीकल लोन, हाउसिंग लोन, हर प्रकार की सुविधाएं मिलेंगी। ये एक सरकारी बैंक है। हमारी कुल मिला के यहाँ 3 ब्रांचेज हैं, नकोदर रोड और एक गड़ा ब्रांच और इंडस्ट्रियल एरिया ब्रांच। आपका कहीं पर भी आपके घर के आसपास ये ब्रांच है, आप वहाँ जाइए, इस सुविधा का लाभ लीजिए। आप सबसे निवेदन है कि प्लीज़ विजिट बैंक ऑफ महाराष्ट्र। नमस्कार, मैं रवि जैन, डिप्टी जोनल मैनेजर बैंक ऑफ महाराष्ट्र लुधियाना जोन। सभी ग्राहकों का स्वागत करता हूँ। ये आज हमने अपने जोन की 48वीं ब्रांच खोली है, पंजाब में 48वीं ब्रांच खोली है और हमारे लुधियाना बैंक ऑफ महाराष्ट्र लुधियाना जोन की 57वीं ब्रांच है और बैंक एज ऑल बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये 2583वीं ब्रांच है। मैं सभी ग्राहकों का इस शुभ अवसर पर स्वागत करता हूँ। ये ब्रांच हमने MSME को ध्यान में रखते हुए एक इंडस्ट्रियल एरिया में खोली है और ये जालंधर में तीसरी ब्रांच खुल रही है। मैं अपने बैंक के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा कि हमारा बैंक एक सरकारी बैंक है और एक डिजिटल बैंकिंग के पर्सपेक्टिव में एक अग्रणीय बैंक है। हमारे बैंक में आप देखेंगे कि MB+ ऐप है, जो कि आप यदि डाउनलोड करेंगे तो उससे आप सभी प्रकार के लोन पा सकते हैं। और इसके अलावा ये जो नया ब्रांच खुला है इंडस्ट्रियल एरिया में, यहाँ सभी इंडस्ट्रियलिस्ट और जितने भी फैक्ट्री मालिक हैं, उन सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि हमारी बैंक को सपोर्ट करिए, इस नई ब्रांच को सपोर्ट करिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे यहाँ से जो भी बैंकिंग सुविधाएँ हैं अवेल करिए। जालंधर छावनी विधानसभा क्षेत्र में स्थित गड़ा क्षेत्र के फगवाड़ी मोहल्ला में पिछले 3 महीनों से पानी की कमी से लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। इस समय लोगों के घरों में पानी की टंकियों में पानी नहीं है, जिसके कारण लोग सामान्य घरेलू कामों को करने में असमर्थ हैं।
तो वहीं लोगों ने बताया कि हाल ही में एक व्यक्ति की मौत हो गई और उसके शव को नहलाने के लिए पानी उपलब्ध नहीं था। बाद में लोगों ने शमशान घाट से पानी लेकर उसे नहलाया। गौरतलब रहे कि स्थिति इतनी गंभीर है कि फगवाड़ी मोहल्ला के लोगों ने कहा कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे नगर निगम के कार्यालय के आगे प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने नगर निगम कार्यालय में कई बार इस मुद्दे की शिकायत की है, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्होंने कहा कि पार्षद विदेश गया है और कोई इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दे रहा। भी उन्होंने कहा कि संबंधित विभाग के जेई से संपर्क करने की कोशिश भी की गई, मगर संपर्क नहीं हो पाया। जालंधर छावनी से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम सुशील कुमार है जी। अच्छा, कोड़े मोहल्ले दा की नाम है जी? सर, मेरे मोहल्ले दा नाम फगवाड़ी मोहल्ला, गड़ा जालंधर। भाई की दिक्कत आ रही तुम? सर, दिक्कत आ रही, पानी की दिक्कत आ रही है। पानी काफी चिर हो गया वा, पानी आ नहीं रहा। सर, असि बहुत परेशान होए पे आ। असी पहला भी मीडिया वाले बुलाए से, पर उन्हें जो आए आ उस तो बाद दोबारा आए आ अपने कारपोरेशन वाले, उन्होंने सड़क पट के बस खाना पूर्ति की है, कोई काम नहीं किया है। सानू लारा ला देंगे, पैप पैने कदों आ, जो बंद ने मर जाना उदो पैने पैप। साड़ी पानी की बहुत बड़ी समस्या है और कई साल तो घट्टो घट्ट 2 साल तो जिते मैं खड़ा इस टाइम उतने पानी की एक बूंद नहीं कभी। और साड़ी इन्नी जबरदस्त प्रॉब्लम है कि जो पानी की टैंकी तो साड़ी बिल्कुल ही खाली रहती है। और अजकल तुम्हें पता इंग्लिश सीटा लगियां ने, जो कभी किसी प्रशासन में जाके कहने ना या कारपोरेशन से कंप्लेट करते हैं, वो कहते हैं टैंकर दे देना। तो टैंकर ना ढो के पानी टैंकी से भरया जा सकता, टैंकियों से पानी तो आ नहीं सकता। और प्रॉब्लम इन्नी हुई कि साड़ी गली एक डैथ हुई सी, उस नहाण वास्ते सानू पानी बाहरों लेके आना पड़ा। माँ भगवती के परम उपासक एवं प्रसिद्ध समाज सेवक चंद्रेश मिश्रा श्री सिद्ध शक्तिपीठ माँ त्रिपुर मानली धाम श्री देवी तालाब मंदिर जालंधर में माथा टेकने अपने पारिवारिक सदस्य धर्मेंद्र त्रिपाठी के साथ पहुंचे और उन्होंने श्री सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर में माँ त्रिपुर मानली जी के चरणों में माथा टेकने के बाद विश्व में सुख शांति हो इसके लिए यज्ञशाला में हवन यज्ञ भी किया। वहीं मंदिर परिसर में मां भगवती के परम उपासक एवं प्रसिद्ध समाज सेवक चंद्रेश मिश्रा जी के पहुंचने पर श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के महासचिव राजेश विज ने मां भगवती का प्रसाद रूपी सिरोपा एवं प्रसाद देकर उन्हें सम्मानित किया एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी का आभार व्यक्त करते हुए माँ के उपासक चंद्रेश मिश्रा ने कहा कि मंदिर प्रबंधक कमेटी द्वारा किए जा रहे हैं सभी कार्य, जैसे कि गौशाला, मां अन्नपूर्णा हॉल एवं चैरिटेबल अस्पताल जैसी सेवाएं सराहनीय हैं और मां भगवती सदा समूह प्रबंधक कमेटी को अपने चरणों में सेवा देते रहें ताकि ये ऐसे ही मंदिर में सेवा का कार्य बढ़ चढ़कर करते रहें। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। संगरूर के गांव घराचों में एक मकान की 30 वर्ष पुरानी छत गिरी, एक की हुई मौत, 2 गंभीर घायल। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने बंबीहा गैंग से संबंधित 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार, अफीम, हेरोइन और भारी मात्रा में असला किया बरामद। अमृतसर कमिश्नरेट पुलिस ने ट्रक चालक सहित ट्रक अगवा करने वाले 4 आरोपियों को किया काबू, एक ट्रक, 300 क्विंटल चने, एक कार, तेजर हथियार और एक मोबाइल किया बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।